जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय 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 राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय 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 राधे कृष्ण राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 राधे कृष्ण
कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय 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 राधे कृष्ण राधे ओ राधे कृष्ण राधे जय 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे 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 जय 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे ओ राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय 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 राधे कृष्ण राधे ओ राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय 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 राधे कृष्ण राधे
राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय 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 राधे कृष्ण राधे बोलो बरसाने वारी की जय इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कोटि कोटि प्राणियों को अपने अलौकिक सत्संग प्रवचन आदि के द्वारा लाभान्वित किया है। इनका रसमय सत्संग ब्रजधाम के उस उच्चतम दिव्य भाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो पूर्ववर्ती शतशह महारसिकों ने सैकड़ों वर्षों से प्रकट किया था। इनका प्रवचन समस्त वेदों शास्त्रों पुराणों एवं नाना धर्म ग्रंथों का सार है जो विश्व के समस्त जीवों को भगवत प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति का यथार्थ मार्ग प्रदर्शित करता है। आइए अब हम लोग श्री महाराज जी के श्रीमुख से कुछ सुने। एक प्रेम होता है और एक कामना होती है। ये देखने में दोनों एक से होते हैं लेकिन फल में बिल्कुल विपरीत। एक का फल अनंत ज्ञान अनंत आनंद भगवत धाम परमानंद और एक का फल त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश का बंधन 84 लाख में चक्कर लगाना ये सब। हम लोग प्रेम शब्द को संसार में भी बोलते हैं, गलत प्रयोग करते हैं। प्रेम अंधकार है, संसारी, और विशुद्ध प्रेम सूर्य है। तो संसारी प्रेम को काम कहते हैं और भगवत प्रेम को प्रेम कहते हैं। एक मोटी परिभाषा समझिए। संसार में कहीं भी प्रेम आपका हो, मां में बाप में बेटे में स्त्री में पति में प्रॉपर्टी में पैसे में कहीं भी आपका प्यार है तो वो प्रेम नहीं कहलाता, क्योंकि उसका परिणाम दुख अशांति अतृप्ति अपूर्णता
बंधन दुखों दरकास तमो निष्ठा, बड़े बड़े उच्च कोट के जो सुख कहलाते हैं स्वर्ग के, वो भी दुखद है, बीच में भी दुख, अंत में भी दुख, और संसार में तो आप देखते ही हैं। जैसे मान लो कोई पैसे से प्यार करता है, क्योंकि सब सामान पैसे से आता है, इसलिए पैसा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। किसी पैसे के पीछे माँ बाप बेटा बीवी पति सब में लड़ाई झगड़ा अशांति और तलाक, घर से बाहर निकालना, मर्डर तक होते रहते हैं पैसे, एक पैसे के पीछे। क्यों? कि हम इंद्रियों का सुख चाहते हैं और वो पैसे से ही मिलेगा। जो सुख आप चाहे पैसे से ले ले। तो आप पैसे के बारे में सोचो कि पैसा कमाने में परिश्रम, क्योंकि वो अगर बचाएगा नहीं तो पैसे वाला कैसे बनेगा। किसी का लक्ष्य है हमारे पास 1 करोड़ हो जाए, अब वो कैसे होगा? अगर उसकी 1 लाख की इनकम है तो उसमें से 20,000, 25,000, 50,000 बचाएगा हर महीने, तब एक दिन 1 करोड़ होगा। तो बचाने में क्या होगा, अपनी कामना को मारना होगा। हमारा मन कर रहा है ऐसा करें, ऐसी कार खरीदे, ऐसी हवेली खरीदे, लेकिन पैसा फिर हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपनी इच्छाओं को मार कर दुखी होता है, लेकिन पैसा नहीं खर्च करता, क्योंकि तो उसको करोड़पति बनना है। यद्यपि वो मूर्ख जानता है कि हम करोड़पति बन जाएंगे तो क्या मिलेगा, किसी करोड़पति से पूछ लो कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें कुछ पीस शांति सुख कुछ अधिक मिला हमसे? जो कहेगा अरे साहब आप क्या शांति और आनंद की बात करते हैं, हम तो नींद की गोली खा के तो 2 घंटे सो पाते हैं। तो फिर हम क्यों दौड़े, हमारी दौड़ फिर कम हो जाती ना, आगे ये इंक्वायरी कर लेते। लेकिन ऐसे मूर्ख हैं हम लोग, बस भागना जानते, कहां जाएंगे वहां क्या मिलेगा इस पर विचार नहीं करते। तो अर्थस्य साधने सिद्धे, साधन में कष्ट मिला कमाने में, अब जब कमा लिया, मान लो कोई पूर्व जन्म का बहुत दान किए हुए है, उसकी लॉटरी खुल गई, 1 दिन में ही हो गया करोड़पति, ये तो पूर्व जन्म का हमारा दान ही इस जन्म में अगले जन्म में पैसा दिलाता है, ये अपना कमाल नहीं है। लोग समझते हैं हमारे इंडिया में देख लो अंगूठा छाप मारवाड़ी अरबपति है, और उनके यहां जो सर्वेंट थे बड़े बड़े काबिल है, उन्हीं की राय से सब व्यापार होता है। तो साधन में कष्ट, पैसा कमाने में कष्ट, फिर अगर कमा लिया तो फिर आप क्या करें उस पैसे के, अब चारों ओर से दुश्मन हो गए हमारे। अब वो सेठ जी चलते हैं तो आगे एक कार पीछे एक कार, इधर भी रिवाल्वर लिए आदमी, इधर भी रिवाल्वर लिए, ये क्या मुसीबत है, मार्केट नहीं जा सकते अकेले, हाँ बड़ा डर हो गया अब तो, अरबपति है। और अगर कहीं भाई दिबे कोई व्यापार किया और दिवालिया हो गया, तब तो बहुत ही बुरा हाल। तो कमाने में
और कमाने के बाद रक्षा करने में और नष्ट हो जाने पर फिर दुख। यही हाल स्वर्ग में भी है, जो हाल यहां हमारे मृत्यु लोक में है। तो इसी प्रकार जैसे पैसे के पीछे हम अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं, ऐसे ही सब समझ लेना माँ बाप बेटा स्त्री पति की जितनी हमने चीजें इकट्ठा की है उन्हीं से हमको दुख मिलता है, टेंशन होता है। हमारा लड़का ऐसा आवारा निकला, हमारी लड़की ऐसी निकली, हमारा बाप ऐसा है सुनता नहीं, हमारी माँ ऐसी है, जिनको हमने अपना बनाया था कि ये सुख देंगे उन्हीं से हमको दुख और मिलने लगा। तो अपनी कामना बनाना बस सबसे बड़ा दुख बुला लिया आपने। आपने जो कामना बनाया, यही पांच कामना, देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की, बस छठी कामना कोई हो ही नहीं सकती। इसी पांच कामना के चक्कर में अनंत जन्म हमारे नष्ट हो चुके और फिर भी अपनी मूर्खता समझ में नहीं आई। अपने को हम बुद्धिमान समझते, क्योंकि अगर समझ में आ जाती तो इधर भागना बंद करके उधर भागते। ये कामना जितनी भी बनती है पांच प्रकार की, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? सबके बनती है, रीजन का पता लगाओ तो रीजन को काट दो, बस बीमारी समाप्त। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपको ये तकलीफ कैसे है, किस रीजन से है, ये जर्म्स है आपके अंदर, तो उसको हम इस दवा से मार देते हैं, बस आप अच्छे हो जाएंगे। इन कामनाओं का मूल क्या है? कामनाओं का मूल है आनंद प्राप्ति की नेचुरलिटी। हम आनंद चाहते हैं, ये हमारा नेचर है। नेचर, नेचर माने हैबिट नहीं, नेचर बनाया नहीं जाता, वो सदा एक सा रहता है और सबके साथ रहता है। वो चाहे एक अंगूठा छाप हो और चाहे बृहस्पति हो, चाहे भिखारी हो, चाहे स्वर्ग सम्राट इंद्र हो, सबके साथ एक सा एम उद्देश्य लक्ष्य है, आनंद मिले, आनंद मिले, आनंद मिले। किसी को कोई शांति, कोई पीस, कोई हैप्पीनेस, अनेक नाम से बोलते हैं। अब आनंद की कामना मिटा दे, इम्पॉसिबल, नेचर नहीं मिट सकता। अगर आनंद की कामना कोई मिटा दे तो सब कामनाओं से छुट्टी मिल जाए, क्योंकि सारी कामनाएं आनंद के लिए है। और जब कामनाई आनंद की मिट जाए तो सब वस्तुएं अपने आप मन से हट जाए, डिटैचमेंट हो जाए, हमारा अटैचमेंट जीरो हो जाए। लेकिन वो कामना, आनंद की कामना हमारा नेचर है, स्वभाव है, क्योंकि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं। सब वो चींटी हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, सब आनंद के लिए भाग रहे हैं 24 घंटे। बहाना अनेक प्रकार का है, आप लोग यहां क्यों आए हैं, आनंद के लिए। घर छोड़ करके यहां आपको अपने मन के मुआफिक खाना पीना सोना ये सब को नहीं मिलता, लेकिन आनंद मिल जाएगा शायद,
या आनंद मिल जाएगा अवश्य। सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग फेथ है, तो आनंद के लिए ही हम संसार की ओर भागते हैं, आनंद के लिए ही हम भगवान की ओर भागते हैं। सब आनंद के लिए भाग रहे हैं चारों ओर, लेकिन जो दूध को मथेगा उसको मक्खन मिलेगा, घी बनेगा, शरीर पुष्ट होगा। जो चूने का पानी मथेगा वो भी सफेद होता है, पानी में चूना मिला दो और मथानी लेकर मथो, एक दिन, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, वहां कहां मक्खन। तो उसी प्रकार संसार में सुख है ही नहीं, तो फिर तुम्हें कितने बड़ा संसार मिल जाए, 1 करोड़ माँ, 2 करोड़ बाप, 4 करोड़ बीवी, 8 करोड़ बच्चे और सारी पृथ्वी का राज्य सब मिल जाए, उससे क्या होगा क्या। तो जैसे जलती हुई आग में जितना घी डालोगे आग बढ़ेगी, उतनी आपकी कामना पूर्ति पर लोभ बढ़ेगा। देखो एक कामना की बीमारी जो है ऐसी है कि दोनों साइड से मार लगाती है। अगर कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ पैदा होगा, अगर कामना की पूर्ति ना हुई तो क्रोध पैदा हुआ। दो में एक तो होगा, आपकी कोई भी कामना है या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी। पूरी हो गई तो आगे लोभ पैदा हुआ, नहीं पूरी हुई तो क्रोध पैदा हुआ। आप दोनों ओर से पिस गए। और कामना संसार की हम क्यों करते हैं, उसी आनंद के लिए। अब मालूम हो जाए संसार में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, भगवान में ही आनंद है, अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए भाग्य से, सत्संग से, बार बार गुरु के संग से, तो संसार से वैराग्य हो जाए, फिर भगवान की ओर हम चलने लगे। जो आज कहते हैं हमारे पास समय नहीं है भगवान के लिए, काहे के लिए समय है, किस बात के लिए समय है तुम्हारे पास, आनंद प्राप्ति के लिए। अरे तो उसी को तो मैं भी कह रहा हूं, आनंद प्राप्ति संसार में है ही नहीं, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि हमको मिल जाएगा। बड़े बड़े सम्राट हुए हमारे इतिहास में, चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्री, राजा दशरथ वगैरह का इंद्र में, स्वर्ग में भी अधिकार, लेकिन आनंद नहीं पा सके तो फिर जंगल में जाकर भगवान की भक्ति की। तो आनंद के लिए ही हम कामना करते हैं, लेकिन वो जहां आनंद है उसकी कामना करो, तब तो आनंद मिलेगा। और जहां आनंद है ही नहीं है उसके लिए लेबर करना, परिश्रम करना निरर्थक है। दिन रात पानी को मथो, उसे घी नहीं निकलेगा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि हम अंधेरे में हैं। दिन में 10 बार हमको अनुभव होता है संसार में, माँ का, बाप का, बेटे का, बीवी का, पति का, सबका, कि अभी अभी स्वार्थ सिद्ध हो गया 100%, बहुत प्यार, कितनी अच्छी है हमारी मम्मी, कितनी अच्छी है हमारी बीवी, कितना अच्छा है हमारा बेटा, और अभी अभी इच्छा के खिलाफ काम कर दिया उसने, क्या ऐसी मां मिली, ऐसी बीबी मिली, ऐसा बेटा पैदा हुआ राक्षस। एक ही दिन में दसियों चेंज होता है आप लोगों के आइडिया में, क्यों, बस आपकी इच्छा के अनुसार जो बात बन जाए बस वही आपका प्यार है, वही सुख है, क्षणिक सुख जो भी है। अब आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो बस आप दुखी हो गए। अब प्रश्न यह है कि वो भी आपसे सुख चाहता है,
माँ भी, बाप भी, बीवी भी, पति भी, और आप भी उससे सुख चाहते हैं, तो फिर टक्कर तो होगी और सुख किसी को नहीं मिलेगा और अशांति मिलेगी। जब अकेला था तो अपने दुख था उसको, जब ब्याह हो गया तो अब लड़ाई शुरू हो गई। बीबी कहती है तो हमारी नींद सुनते, पति कहता है तुम हमारी नींद सुनती है, बीबी मैं बीमार हुई तो पति जाग रहा है, अब पति बीमार हुआ तो बीबी जाग रही है, अब बच्चा बीमार हुआ तो दोनों जाग रहे हैं, डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, पैसा नहीं है उधार ले रहे हैं। ये सारी मुसीबतें कैसे पैदा हुई? कामना से। अच्छे खासे थे तो पहले अकेले आराम से क्या पाया? इसी बूढ़े से पूछो, क्यों भाई तुमने अपने जीवन में पढ़ाई की लाइफ दे देखी? हाँ देखी। शादी वादी भी किया? हाँ किया। दो चार छह बच्चे हुए? हाँ हुए। नाती पोते भी हुए? हाँ हुए। तो अब क्या हाल है? तो समझ में आया? आया तो, लेकिन अब क्या करें? आया तो सात स्वार्थी, तो अपनी कामना संसार संबंधी बनाना एक काम है, और भगवान संबंधी कामना इसी का नाम प्रेम। बस अपनी कामना को, संसारी कामना को डाइवर्ट करके भगवान की ओर लगा देना है बस, और कुछ करना धरना नहीं है। Oh,
कृपालु निहार बार इक Yeah.
रे हूँ ढिग सरकार युगल वगल मोरे हूँ ढिग सरकार युगल गल बहियन बलिहार बल बल बहियान की बलिहार युगल गल लाडली लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।